नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिलिप्स का जो T5 ट्यूबलाइट का जो चोक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है उसे हम आज रिपेयर करने वाले हैं। तो इस तरह की चोक है, आप देख सकते हैं। तो इसे पहले खोल लेते हैं और देखते हैं। तो हमने इसे खोल लिया है, तो इसमें इस तरह की चोक रहते हैं। तो इसे अच्छी तरह से देख लेते हैं कहाँ पर खराबी हुआ है। तो सबसे पहले देखना है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जहाँ से इन होता है वहाँ पर। तो यहाँ पे लाइन इन और यहाँ अर्थ, न्यूट्रल और लाइन, ये यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पे जो ये फ्यूज़ है रजिस्टर, जो 1 वाट का रजिस्टर से, वो ब्लास्ट हो गया है। और आगे जो कॉयल है इसे चेक करना होगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो गया है। और ये भी कैपेसिटर फूल गया है, ये दोनों कैपेसिटर ख़राब हो गया है। फिर हमें इस डायोड को चेक करना है और उसके बाद यहाँ पे भी एक कॉइल लगा हुआ है, इसे देखना पड़ेगा। और ये 3 ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का जो लिखा है JCS2N60F, ये 3 कैपेसिटर, सॉरी ये 3 मॉसफेट हैं। ये 3 मॉसफेट को चेक करेंगे और ये कैपेसिटर ठीक है, ये PM जो कैपेसिटर है वो भी ठीक है। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये 104 PF का कैपेसिटर है, ये भी 104 M। तो पहले हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे, उसके बाद ये दोनों चेंज कर दे देंगे। इसे तो चेंज करना होगा और ये सही है कि देखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 4 डायोड है 4007, इसे भी चेक करना पड़ेगा। और फिर इस ट्रांजिस्टर को, तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में जो यहाँ का फ्यूज़, जो 1 वाट का रजिस्टर होता है, ये फ्यूज़ का काम करता है यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है, इस सर्किट का कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है, तो ये फ्यूज़ ओपन होके इस सर्किट को बचा लेता है। तो ये क्यों कटा है, ये क्यों ओपन हो गया है, इसे पहले हमें देख लेना है। तो ये जो SMD कंपोनेंट है इसमें, अगर इसमें कोई ख़राबी होता है तो वो पूरी तरह जल जाता है।
तो इसमें कोई भी खराबी नहीं दिख रहा है मुझे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना होगा। तो चलिए देखते हैं। हमने ये मल्टीमीटर ले लिया है। पहले हमें इस मॉस्फेट को टेस्ट करना होगा, ये तीन मॉस्फेट ठीक है कि नहीं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखते हैं, देखते हैं। ये वाला मॉस्फेट लगता है खराब हो गया है, तो ये तो सही है, ये तीनों मॉस्फेट ठीक ही है। तो हम इसे चेक कर लेंगे। ये खराब हो गया है और उसके बाद मॉस्फेट को चेक किया मैंने, तो ये तो लगभग सही है। और इस कैपेसिटर को चेंज करना होगा, ये ब्लास्ट हो गया है। और इसे इस रेक्टिफायर को, ये जो 4000 डायोड है, 4 पीस, इसे हम चेक करेंगे। ये डायोड है, ये भी सही है। तो हम इन दोनों कैपेसिटर और ये रेजिस्टर पहले चेंज करके देखते हैं ट्यूब चलता है कि नहीं।
অনেক কাজ হচ্ছে। আমি একটু ফোন করব। তো দেখ সকতে হ্যাঁ হামনে ইসে সব কুছ চেঞ্জ কর দিয়া হ্যায়। ये वाला जो कैपेसिटर था उसे चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो रजिस्टर था 1 वाट का, इसे भी हमने चेंज कर दिया है। डायट तो सही है और ट्रांजिस्टर भी सही है, तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर सोल्डर किया हुआ है, अच्छी तरह देख सकते हैं यहाँ ये सब सोल्डर किया हुआ है। बाकी कुछ भी काम नहीं किया है मैंने इसमें, तो सिर्फ ये कैपेसिटर ये वाला जो पीएफ कैपेसिटर है मैंने दूसरा लगा दिया है। आपके पास अगर ऐसा ही कोई चोक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट खराब हो गया है, उससे आप निकल सकते हो या फिर आप बाज़ार से ख़रीद सकते हो। तो हमने निकाला है, आपको ये दूसरे वाला जो ब्लास्ट है उसमें से हमने यहाँ से निकल लिया है, क्योंकि इसमें ये तीनों ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया था। तो हमने इससे निकल के यहाँ पे लगा दिया है। तो अब इसे टेस्ट करेंगे। आपको बता दें, आप अगर नए हो तो ये काम शुरू थोड़ी सी दिन में शुरू किया है, तो आपको कहूँगा कि सब कुछ जो भी सर्किट आप रिपेयर करेंगे तो उससे पहले सीरीज लाइन में टेस्ट करना, क्योंकि अगर उसमें कोई ख़राबी होता है तो बल्ब जलेगा, सीरीज लाइन का जो बल्ब होता है वो जलेगा, उससे क्या होगा आगे वाले कोई सर्किट का कंपोनेंट, इस सर्किट का कोई कंपोनेंट ख़राब होने से बच जाएगा। और फ्यूज़ भी आपको जो बोर्ड पे, स्विच बोर्ड पे जो फ्यूज़ लगा रहता है या एमसीबी लगा रहता है वो ट्रिप हो जाएगा अगर इसमें कोई खराबी होता। तो अगर चलिए हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, सीरीज लाइन में टेस्ट करेंगे। ये है सीरीज लाइन, आप देख सकते हैं। तो हमारा बल्ब ठीक हो गया है। अगर सर्किट में कोई ख़राबी है तो बल्ब जलेगा, तो नहीं जल रहा है तो ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो देख सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।